दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से नीलम देखती रहती है जब यहाँ पर मलिश का धमकी देती है सालू को, क्योंकि दोस्तों सालू को धमकी देने के पीछे एक नहीं बल्कि कई और भी कारण देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस समय सबसे बड़ा तूफान एक और आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जल्दी ही मलिश का गो होना पड़ेगा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर, क्योंकि अब चलेगी असली चाल मलिश का नहीं बल्कि सालू और आयुष। जी हाँ, क्योंकि सालू और आयुष ने ये ठान लिया है कि किसी भी तरीका से अब मलिश्का को इस घर से बाहर निकाल के फेंक देना है, क्योंकि मलिश्का ने बेहद ज़्यादा अपनी कर ली, लेकिन अब इससे ज़्यादा मलिश्का की इस घर में चल भी नहीं सकती, क्योंकि जो मलिश्का की हरकतें रही हैं वो भी कहीं ना कहीं संधि के घेरे में रही हैं। और ऋषि अब बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मलिश्का इस घर में दस्तक भी दे या इस घर में रहे भी, क्योंकि लक्ष्मी और ऋषि के बीच में अगर झगड़ा और लड़ाई देखने को मिल रही है और एक नहीं हो पा रहे, तो वो कोई और नहीं बल्कि इन सब के पीछे वजह एक ही है। जी हाँ, वो है सीधा सीधा बोला जाए तो मलिश्का। जी हाँ, क्योंकि अब नीलम भी पक्ष नहीं ले पाएगी ज़्यादा मलिश्का का, क्योंकि मलिश्का के खिलाफ उसको भी एक नहीं बल्कि कई सबूत मिल चुके हैं कि वो किस तरीका से इस घर में ही रह के इस घर के लोगों के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि यहाँ पर ऋषि साफ साफ अपनी माँ से बोलते हुए नजर आएगा कि तुम इस लड़की को मेरी घरवाली बनाना चाहती थी जो इस घर के ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि दोस्तों अब नीलम भी क्या बोले, क्योंकि जब रंगे हाथ मलिश्का पकड़ी गई है तो अब वो भी उसका पक्षपात ज़्यादा कर नहीं सकती। ये एक सच्चाई है और सच्चाई झुक नहीं सकती किसी के झुकाने से। दोस्तों रियलिटी भी कई और भी विजन्स देखने को मिलती है और इस समय कई और भी विजन्स देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के बीच में। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है, लेकिन दोस्तों अब जो